तमाम हाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हम आपको अपने इस चैनल दीन का शऊर में खुशामदीद कहते हैं। आज हम हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की कुनियत अबू बकर बिन अबी कहाफा अल-तीमी और नाम अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन आमिर अल-करशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों पहले खलीफा राशिद हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों साबकीन औलीन और अशरा मुबशरा में से हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने दीन के लिए अपना तन मन लगाया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का बहादुरों की तरह दिफा किया। अल्लाह जल्ला शान ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की वजह से दीन व मिल्लत की हिफाजत फरमाई। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की विलादत बासादत आम फील के 2.5 साल बाद हुई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों इस हालत में जवान हुए कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों जुल्म के नाम से भी वाकिफ ना थे। ज़माना जाहलियत की गंदगी से बहुत दूर और इखलाक़े अरबिया से आरास्ता थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों हुस्ने मुआशरत और मुजासलत के हामिल और वादे के सच्चे थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने इस्लाम से पहले ही अपने ऊपर शराब नोशी हराम कर ली थी। लोगों के साथ जो कर्मा का सलूक करते थे, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाते और कमज़ोरों की दिलदारी करते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों रफ़ील मर्तबत और आलीशान रखते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की बात सुनी जाती थी नेस। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों तजर्बाकार ताजिर और साहब बसीरत इंसान थे। आप ख्वाबो ताबीर के बड़े माहिर थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की ज़ात में कोई काबिल ऐब चीज़ ना थी। आप ज़हीन व फ़तीन और साइबुल राय भी थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों खुबरू और हसीन चेहरे के मालिक थे। रंग सफ़ेद और दुबला जिस्म था। आंखें अंदर को धंसी हुई थी। चेहरे पर गोश्त कम था। पेशानी रोशन थी। दाढ़ी मुबारक हल्की सी थी। नेस आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से वालेहाना मोहब्बत रखते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों आला ईमान की नेमत से सरफराज हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने दीन की खिदमत और कमज़ोर मुसलमानों को ग़ुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए अपना माल वक्फ कर दिया। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों मुशरिकीन की अज़ियतों से दोचार हुए। फिर जब उनकी तकलीफ़ें और अज़ियतें हद से बढ़ गई तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने मक्का को छोड़ दिया और वहाँ से हिजरत की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने वाक़िया मेराज में भी आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तस्दीक की और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का खूब दिफा किया, जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को सदीक के लक़ब से नवाज़ा। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के हबीबो सदीक थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अपनी साहबजादी हज़रत आयशा का निकाह अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से किया।
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شب دار اور دن کو روزہ رکھنے والے تھے، عوام الناس کے ساتھ بڑے متواضع اور منکسر المزاج تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی نرم طبیعت والے تھے کہ آنسو جل نکل آتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روشن چہرہ والے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنم سے آزادی اور نیک لوگوں کے ہمراہ جنت میں داخل ہونے کی بشارت سنائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید جمع کیا اور دین و ایمان کی نشر و اشاعت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑوں کے ساتھ اکرام و احترام اور چھوٹوں کے ساتھ محبت و شفقت کا رویہ رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 شادیاں کی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں 6 بچے بچیاں شامل تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم المرتبت اور رفیق القلب تھے۔ دنیا میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق تھے اور قبر میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصائب بنے۔ آج ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر روشنی ڈالی۔ دوبارہ حاضر ہوں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک نیا واقعہ لے کر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔